हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डेमोग्राफिक मेथड में क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वैसे तो नॉर्मली इस चैप्टर के सम ऐसे टैबुलर फॉर्म में आते हैं, बट ऐसे सम्स भी आ सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, और उसमें आपको वैल्यूज खुद फाइंड आउट करनी होगी। सो हम क्वेश्चन भी रीड करते जाएंगे और साथ में देखते जाएंगे कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2 लैक्स। सो मैंने यहां पर लिख दिया टोटल पॉपुलेशन 2 लैक्स। एंड ऑफ देम 45% आर फीमेल्स। सो ये हो गई टोटल फीमेल्स 45%। टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल फीमेल्स 2 लाख का 45% कर दीजिए तो ये आ जाएगा 90,000। बताऊँ कैसे करेंगे, 2 लाख इंटू 45% मीन्स 45/100। सो 2 लाख इंटू 45/100 करोगे तो ये टोटल फीमेल्स आ गई 90,000। देन आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, अमॉन्ग द फीमेल्स 48% आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। अब ये जो 90,000 फीमेल्स हैं ना, इसमें से फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप हैं 48%। तो 48% कैसे निकालना है, 90,000 इंटू 48, आप परसेंटेज भी कर सकते हो 43,200, या फिर 90,000 इंटू 48/100 भी कर सकते हो 43,200। सो ये हो गया फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। वंस अगेन यहाँ पर टोटल लगा देंगे, टोटल फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। अब इन तीनों की मीनिंग समझ लो। एक विलेज में टोटल पॉपुलेशन 2 लाख है, उस 2 लाख में से 90,000 फीमेल्स हैं, और उन फीमेल्स में से चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की फीमेल्स 43,200 हैं। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप मीन्स जिनको बेबी हो सकता है, जिनको बच्चा हो सकता है, ऐसी फीमेल्स 43,200 हैं। आगे दिया हुआ है, इफ GFR जनरल फर्टिलिटी रेट इफ़ जनरल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ सिटी इज 35, GFR दिया हुआ है 35, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट विल बी बोर्न ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब हमें यहाँ पर जनरल फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है, हमें ये अंदाजा लगाना है कि नेक्स्ट ईयर कितने बर्थ होंगे। देखिए इस चैप्टर का मेन रीजन यही है कि हमें एस्टिमेट करना है कि अगर हमारी आज की पॉपुलेशन इतनी है तो नेक्स्ट ईयर हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। सो GFR दिया हुआ है तो हम GFR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। GFR इज इक्वल्स टू टोटल बर्थ डिवाइड बाय टोटल फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इंटू 1000। सो जनरल फर्टिलिटी रेट है 35, टोटल बर्थ हैं फाइंड करने इनटू 1000 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ये रहा 43,000। सो 35 हम एज इट इज रखेंगे, 43,200 डिवाइड में है, इस डिवाइड को सामने ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इस 1000 को डिवाइड में रखेंगे, इस 1000 को सामने ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर होगा टोटल बर्ड्स। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1512 बर्थ्स। सो देखिए पहले पॉपुलेशन बताई, पॉपुलेशन में से फीमेल्स बताई, फीमेल्स में से चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की फीमेल्स कितनी हैं वो बताया, और इन फीमेल्स का बर्थ रेट बता दिया, फर्टिलिटी रेट बता दिया। सो फर्टिलिटी रेट अगर बता दिया तो फिर हमें नेक्स्ट ईयर के बर्थ पता चल जाएंगे कि नेक्स्ट ईयर इस सिटी में या इस टाउन में या इस विलेज में
अप्रॉक्स 1512 न्यू बर्थ हो सकते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसी लेक्चर में एक और क्वेश्चन करेंगे, वो होगा 27। चलिए, सो नाउ 26 आपका हो गया। अब हम करते हैं 27 नंबर, सेम इसी टाइप का सम है। सो क्वेश्चन नंबर 27। सो आइए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 24 लैक्स। टोटल पॉपुलेशन 24 लैक है, तो यहां पर हमने लिख दिया टोटल पॉपुलेशन 24 लैक्स। एंड इन द डिस्ट्रिक्ट देयर आर 920 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब मेल फीमेल रेशियो दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल, 1000 मेल्स एंड 920 फीमेल्स। सो 920 फीमेल्स दी हुई है पर 1000 मेल्स। तो ये एक रेशियो है, जैसे आप रेशियो 12th में करके आए थे या पार्टनरशिप में करते थे कि 1000 मेल्स एंड 920 फीमेल्स। अब इस टोटल पॉपुलेशन में से मुझे टोटल फीमेल्स कैलकुलेट करनी हो कि टोटल फीमेल्स कितनी हो जाएगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल फीमेल्स इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन 24 लैक्स। अब फीमेल्स हैं 920, तो इंटू करेंगे 920 और डिवाइड करेंगे इन दोनों का टोटल। सो 920 प्लस 1000, सो 1920। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें टोटल फीमेल्स मिल जाएगी। सो 1000 मेल्स, 920 फीमेल्स हैं, टोटल 24 लाख का पॉपुलेशन है। सो उस पॉपुलेशन में टोटल फीमेल्स 1150000 होंगी और बाकी के मेल होंगे। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में 50% ऑफ द फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं वो 50% हैं। सो फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप 1150000 का 50% करोगे, हाफ करोगे, तो आंसर आ जाएगा 575000। 1150000 का हाफ करोगे, 575000। If general fertility rate of the district is 32, find the expected number of children that will be born in the district during the next year. अब अगर general fertility rate 32 है तो हमें new birth calculate करने हैं। So general fertility rate is equals to total number of live births divided by total number of females in childbearing age group into 1000. ये फॉर्मूला शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इन 2000। सो बर्थ हमें कैलकुलेट करने हैं इन 2000 एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप 575000। सो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 575000 डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 1000 मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल बर्थ मिल जाएंगी, टोटल बर्थ। सो ये मल्टीप्लाई किया, हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया 18400 टोटल बर्थ। सो स्टूडेंट, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट किया। सो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये लेक्चर मैं यहाँ ही कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।